फ्रांस में बैठा एक शख्स लगातार आधार से जुड़ी तकनीकी खामियों को उजागर कर रहा है। एलियट एल्डरसन नाम के इस शख्स ने एक बार फिर ट्वीट कर ऑनलाइन करीब 20,000 आधार कार्ड की कॉपी पाने का दावा किया है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर एलियट एल्डरसन ने एक बार फिर ट्वीट कर UIDAI के सुरक्षा मानकों को सवालों के घेरे में ला दिया है। उनका दावा है कि महज 3 घंटे में उन्होंने 20,000 आधार कार्ड को पब्लिक डोमेन में पाया है। हालांकि UIDAI ने इस दावे को सिरे से नकारते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और ये जानकारी आधार का नाम खराब करने के लिए डाली गई है। साथ ही UIDAI का कहना है कि आधार की सुरक्षा पर कोई भी खतरा नहीं है। आधार एक ID डॉक्यूमेंट है और जब भी इसे मांगा जाए इसे दिखाया जाना चाहिए। UIDAI आगे कहता है कि किसी का आधार नंबर जानने का मतलब ये नहीं है कि वो उस इंसान की पहचान चुरा सकता है या उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आखिर में UIDAI का कहना है कि आधार का डेटा एकदम सुरक्षित है और बीते 8 साल में एक बार भी बायोमेट्रिक डेटाबेस में कोई सेंध नहीं लगा सका है। लेकिन UIDAI के इन बयानों में गहरा अंतर्विरोध है, क्योंकि किसी के आधार नंबर को सार्वजनिक करना आधार एक्ट 2016 का उल्लंघन है। यही नहीं, आधार नंबर के वितरण को रोकने के लिए UIDAI ने जनवरी के महीने में वर्चुअल ID लाने का ऐलान किया था। Yesterday's tweets by the UIDAI are deeply problematic for 3 reasons. One, they tell you that the UIDAI is still not clear whether Aadhaar is a private number, a secret number or a public number. Two, they do not understand the ramifications of what it means for Aadhaar to be either public or private. For example, with Aadhaar leaks, you have crores of Aadhaar numbers already publicly available on the internet. All it takes is a simple Google search. Now, with the Tribune expose, what you also know is that people can use these available Aadhaar numbers to get into the ecosystem through the grievance redressal mechanism with or without an OTP and change the details. This includes not just phone numbers, but also biometric details. Third, what this means is that a scam like the Airtel payment scam is very feasible because any unscrupulous individual can get into the system and use the change details to his or her advantage. The UIDAI clearly does not understand this. इससे साफ होता है कि आधार नंबर का सार्वजनिक होना गहरी चिंता की बात है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।